नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 28 जनवरी। सबसे पहले कल के सेशन की बात करें तो कल हमने देखा कॉटन के प्राइजेस 36,700 का लेवल ओपन होकर 37 का एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि मार्केट अगर फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो जल्द 38,000 का लेवल भी छू सकता है, बट हायर लेवल पे हम देख रहे हैं कि बार बार में मार्केट को प्रेशर बन रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बजट में 10% की जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसमें कुछ कमी की जा सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है मार्केट में दबाव बन जाए। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि कंटिन्यू प्राइजेस 120 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट हाँ 122-123 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन लेना चाहिए बजट तक, और थोड़ा पुलबैक मिले उस पुलबैक पे हम फिर लेके चल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने एकाएक काफी अच्छा जंप आते हुए देखा, जो 3100 के सपोर्ट से 3300 का लेवल हमने कल छूते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं 3300-3400 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट जोन बन जाएंगे। आज शुक्रवार है, जनरली हम शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखते हैं, तो आज के सेशन में हमें लगता है कि प्राइजेस अगर 3250-60 के आसपास भी मिले बेच के चलिए, 3150 तक का लेवल मिल जाएगा। आइस कॉटन में भी मार्केट साइड वे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। टेक्निकल में कॉटन पॉजिटिव जरूर दिखा रहा है, बट ध्यान रखिए आज के सेशन में अगर कॉटन 37,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है या 36,900 के नीचे जाता है तो बिकवाली बढ़ सकती है, जो 36,750 से 36,450 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी 3240 के नीचे आप बिकवाली करके चलिए, जो 3190 से लेकर 3130 तक का लेवल मिल जाएगा। इंटरनेशनल में भी मार्केट साइड वे टू नेगेटिव रहेगा। कल जो फ्रेश बाइंग आती हुई देखी थी हमने कॉटन के अंदर, वो हायर साइड से हमने कभी कंटिन्यू दबाव ही देख रहे हैं। फंडामेंटल साइड हमने पिंक बॉल वॉर्म अटैक, ये सब लॉन्ग टर्म स्टोरी है जो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि लॉन्ग टर्म व्यू भी आप साथ में दिया करो, तो मैं एक थोड़ा व्यू बता के रखता हूँ। हमने जनवरी में उम्मीद रखी थी कि 3150 से 3200 का ही रेंज दिखाएगा, जबकि हमने 3400 का लेवल छूते हुए देखा। अब यहाँ से हमको लगता है कि 12-15 फरवरी तक मार्केट 3000 से 3400 के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अगर 3400 का लेवल तोड़ता है तो फरवरी एंड तक हम 3800 तक का ही लेवल देखेंगे। 4000 का लेवल मैंने जरूर बताया, बट वो मैंने बताया मार्च मंथ के लिए, ना कि जनवरी ना कि फरवरी। तो इतनी बड़ी उम्मीद मत रखिए, जनवरी में खाली 3200 का एवरेज होना चाहिए वो दिख रहा है। फरवरी के अंदर हमें लगता है कि 3400 का लेवल तोड़ के 3800 तक दिखा सकता है, लेकिन 4000 का लेवल मेरे हिसाब से मार्च में ही दिखाई देगा, और जो आगे के भी लेवल्स हैं वो आपको मार्च बियॉन्ड में ही दिखाई देंगे। चार्टिकली अगर हम देखें कॉटन इचिमिको क्लाउड के करीब ही ट्रेड कर रहा है। एज ऑफ नाउ एक चैनल बना हुआ है, तो 120 से लेकर 124 के बीच में ही आइस कॉटन ट्रेड करेगा। कॉटन में हमने देखा है कि हायर साइड रेजिस्टेंट 36,920 का था, तो ऑलमोस्ट हमने 37 का लेवल छू चुके हैं। टेक्निकल थोड़ा पुलबैक मिले लेके ही चलना है। ओवरऑल 4000 का टारगेट हम अगले हफ्ते तक देख पाएंगे। फंडामेंटल काफी मजबूत है। कॉटन फरवरी में देखे तो हमने अच्छी तेजी देखी, बट 37 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं आज शुक्रवार होने की वजह से, तो 36,400 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक भी इचिमिको क्लाउड के अंदर है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं रहा, जिसकी वजह से दबाव रहेगा, जो 3140-50 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। तो आज के लिए कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर बिकवाली करके चलिए 3240-50 की रेंज में, जो 3170-80 का पहला सपोर्ट और 3140 का अगला सपोर्ट तक दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।